अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सीए लागू होने के बाद से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है, पुरजोर से विपक्ष इसका विरोध कर रही है। तो इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जमकर विरोध किया है इस कानून का। बताते चले आपको कि अरविंद केजरीवाल सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये सीएए क्या है। भाजपा की सरकार ने कहा था कि तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को नागरिकता देंगे अगर वो लोग लेना चाहे। अल्पसंख्यक को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को भारत लाने की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दी जा रही है लेकिन पाकिस्तानियों को भारत लाएंगे और उन्हें रोजगार देंगे और उनके लिए घर बनवाएंगे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोरे जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। नमस्कार, कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि तीन देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन तीन देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया
तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है, रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है, अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं, और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता, पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में ला के बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी, ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए।